जिस वायरस पे वैक्सीन जा रही है वो वायरस कोई नया नहीं है। कोविड आपने आप लोगों ने नाम पहली बार सुना है, लेकिन कोरोना वायरस जो होता है वो बेसिकली बहुत कॉमन जी वायरस है। बहुत बड़ी फैमिली बिल्कुल होती है, सब मिल बैठ के खाते हैं, उस बार इसमें से एक स्ट्रांग हो गया, बस ये हुआ। तो ना वायरस, ना वैक्सीन नया है, ना टेक्नोलॉजी नई है, ना वायरस नया है, तो फिर क्यों इतने र्यूमर्स फैलते हैं? और इन चीजों के जी पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। हम लोगों जी ने, और मैं, मुझे आश्चर्य तब होता है जब आप लोग बच्चों के बारे में कभी ऐसी बात नहीं करते। आप लोग कभी नहीं पूछते कि सर आज इसको वैक्सीन लगाए तो क्या 4 दिन इस बच्चे की इम्यूनिटी कम होगी, जबकि बच्चा भी उसी तरह का वैक्सीन लगवा रहा है, वही कीड़ वैक्सीन जी लगा रहा है, नाम अलग अलग है वायरस के, लेकिन बच्चे भी वही सब करवा रहे हैं। तब आपके दिमाग में डाउट नहीं आया, लेकिन जब खुद के वैक्सीन की बात आती है तो इतने डाउट लेके मत चलिए। वैक्सीन आर सेफ, मुझे लगता है एक मंत्र मान लीजिए, सोसाइटी का बहुत बड़ा, बहुत भला होगा। एवरी वन शुड प्रमोट 7 to vaccinate। हर एक आदमी को, 7 लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि आप वैक्सीन लगवाओ। जिस दिन ये वैक्सीनेशन प्रॉपर 30 से 34%, 35% तक पहुंच जाएगा, आप मान के चले वायरस जो है वो अपना आप बंद। क्या बात है, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हर आदमी जो अगर 7 लोगों को वैक्सीन के बारे में बताए तो एक बहुत अच्छा सर कुछ जी जी क्योंकि कुछ लोग मेरे क्रॉस में आए थे तो वो इस वैक्सीन के बारे में ऐसी बात कर रहे थे, हम तो वैक्सीन का अगेंस्ट है, हमने तो कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, ये हम एजुकेशन एजुकेटेड लाइफ में जी रहे हैं, कहाँ किस सिस्टम में जी रहे हैं हम लोग, मतलब यदि आप कुछ इसराइल का एग्जांपल देखें, और इसराइल में कोई मास्क नहीं पहनता है और उन लोगों ने हटा दिया। इनफैक्ट अभी उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था, जिसमें बिकॉज इसराइल इज ऑलमोस्ट 60-70% वैक्सीनेटेड, यूएस की न्यूज आई थी कि यूएस में जो है वो वैक्सीनेट, जिन लोगों ने वैक्सीनेट हो गए हैं उनको अलाउ कर दिया है कि दे कैन रोम विदाउट मास्क, क्योंकि यूएस में भी जी सब्सटेंशियल प्रपोर्शन हो गया। जो फिगर मैं बता रहा हूँ, 30-35% तो यूएस में वहां तक पहुंच चुके हैं। तो आप जी यूएस और इसराइल का कॉन्फिडेंस देखो, वो कॉन्फिडेंस इस कंट्री में इंडिया के बाद में, सिर्फ वैक्सीनेशन के बाद में आएगा। तो यदि आप जी हिमालयन ट्रैकिंग पर जाना चाहते हो तो 7 लोगों को प्रमोट जरूर करो कि वो वैक्सीन लगवा। बिल्कुल, जो हमारे ट्रैकर सुन रहे हैं प्लीज रिक्वेस्ट है सभी को वैक्सीन जरूर से लगवाएं, हम क्रोसिन लेने पे तो शक नहीं करते लेकिन वैक्सीन पे शक क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। एनीवे चलिए बच्चों के ऊपर हम लोग शिफ्ट होते हैं, बच्चों के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंगर नुपुर जी का क्वेश्चन है, नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट अवर किड्स फ्रॉम दैट वायरस, बच्चों को किस तरह से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, दो सिचुएशन है। अभी तो आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो जी जब तक स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बच्चों को बचाने का एक ही प्रोटेक्शन है, वो आप हो, क्योंकि बच्चों को कोई सोर्स नहीं है अभी। यदि आप कहीं से कोविड लेके आओगे तो बच्चे इन्फेक्ट होंगे, और ऐसा हुआ है डेफिनेटली। मतलब इस पूरे कोविड वेव में जितने बच्चे हमने देखे हैं, बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक हुए, लेकिन जितने बच्चे हमने देखे हैं, फर्स्ट वेव में कुछ भी नहीं देखे थे। तो जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक उनका प्रोटेक्शन सिर्फ आप। जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो पेरेंट्स के बहुत क्वेरीज होती है कि सर कुछ टॉनिक लिख दो, कुछ मल्टीविटामिन लिख दो, जैसे आप लोग लेते हो गिलॉय ले लिया और जाने क्या क्या, मतलब हल्दी और ये सब ले लिया। तो वैसे ही पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चों को कुछ लिखते हैं कि उसको उनको इम्यूनिटी आ जाए। जी चार पिलर याद रखें इम्यूनिटी के, चाहे आपके हों चाहे बच्चों के। पहला पिलर हाइड्रेशन, क्योंकि आप बच्चे के खाने पे बहुत ध्यान देते हैं, दिन भर उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन बच्चे का लिक्विड इंटेक इस पे ध्यान नहीं देते। दूसरा पिलर न्यूट्रिशन, प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। और न्यूट्रिशन में मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप घर का कुछ भी खिलाओ वो पौष्टिक है, लेकिन यदि आपने बच्चे की आदत डाल रखी है, या जब लॉकडाउन खुलेगा और आपने बच्चे की हैबिट डाल रखी है कि वो सिर्फ बाहर का ही खाना खाएगा, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द तो तीसरा स्लीप, और चौथा जो है वो आपका एक्टिविटी। यदि आप एक्टिव हैं, एक्टिविटी मतलब कि 45 मिनट्स ऑफ, जी जी सर अपनी बात पूरी कीजिए। तो बेसिक यदि ये चार चीजें हैं, आप इन चार पिलर्स को ध्यान रखिए। देखिए, कोविड तो एक बहाना है, हमको पॉसिबल जी है कि देर सवेर इस तरह की और कोई वायरस सामने आए। हमको इनसे लड़ने का जो पिलर्स हैं वो ये चार ही। तो इम्यूनिटी के लिए आप लोग कितना भी कर लें, लेकिन ये चार पिलर्स इंपॉर्टेंट है। आप इस पे अपनी बॉडी को खड़ा रखिए, डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी के साथ प्रॉब्लम, जी चाहे सर आप ओके हों। सर जी जी जितेश जी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर वैक्सीन, अभी तो 18 है शायद, उससे तो कम अभी अभी किया नहीं 18 इंडिया में। ईयर्स है, जी ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, शायद परमिशन दिया है जी 2 to 18 ईयर्स के बीच में। होपफुली हम बहुत जल्दी जो है वो
अच्छी न्यूज सुनेंगे कि बच्चों को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो तब शायद हम बच्चों की इम्यूनिटी में एक और चीज ऐड कर पाएंगे, विच इज वैक्सीनेशन। ओके, अमित गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के एक मंथ बाद भी एंटीबॉडी बिलो वन है, शायद पूछना चाह रहे हैं कि सही है या गलत है, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखिए एक टर्म होता है कंप्लीट वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है आपको दो डोज लगे और उसके बाद 14 डेज और निकल गए, ठीक है, उसके बाद में आप एंटी, पहली बात तो मैं क्लेरिफाई कर चुका हूँ कि एंटीबॉडीज कराने का कोई फायदा नहीं है, यदि आपने कंप्लीट वैक्सीनेशन किया है तो आप मान के चले कि यू आर इम्यून, ठीक है, स्टिल आपको एंटीबॉडी कराना है, तो उसका सही टाइम ये होता है कि दो वैक्सीन, दो डोज पूरे लगा लिया, अपन तीनों वैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन के केस में डे जीरो और डे 28 इस पे वैक्सीन लगेगा, उसके 14 डेज बाद, कोविशील्ड के केस में डे जीरो और उसके बाद में डे 84 उसके 14 डेज के बाद में, और स्पुतनिक जब आएगा तो वो डे जीरो और डे 21 और उसके 14 डेज के बाद में। स्पुतनिक का एक फायदा ये भी है कि उसका जो कंप्लीट वैक्सीनेशन, अब मैं कंप्लीट शेड्यूल की बात करता हूँ, तो स्पुतनिक का जो शेड्यूल है वो डेफिनेटली दूसरे दोनों वैक्सीन के कंपैरिजन में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ फिर आपको बोलता हूँ कि आप वैक्सीन को चूज करने की कोशिश मत करें, जो आपको मिल रहा है वो आपके बॉडी को डेफिनेटली फायदा करेगा, हमको अभी इस उससे बाहर निकलना है। ओके ओके, महेश माथुर जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइम गैप फॉर टेक वैक्सीन आफ्टर कोरोना, सबसे पहला हमने क्वेश्चन ये लिया, बताइए सर व्हाट इज द टाइम गैप फॉर टेक वैक्सीन आफ्टर द कोरोना, मतलब कोरोना का कितने टाइम के बाद वैक्सीन लेना चाहिए? यू शुड टेक योर वैक्सीन इन 2 to 3 months आइडियली। देखिए उसके पीछे लॉजिक क्या है कि यदि आपको अभी कोविड हुआ है तो आप रेस्ट एश्योर्ड कि 3 महीने आपको उससे इम्यूनिटी मिला हुआ है, मिनिमम 3 months, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इट मे गो अप टू 6 months बट मिनिमम 3 months, तो हमारे पास 2 से 3 महीने का विंडो पीरियड होता है, पर आप 3 months का डेट लाइन पे मत जाइए, आप 2 months से 3 months के बीच में लगवा लीजिए, दैट इज अ गुड टाइम पीरियड कि जब आप वैक्सीन लगवा सकते। जी जी सर एक चीज और पूछा, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर घर में कोई कोविड पेशेंट है और वहीं पे कोई बच्चा है तो उसपे क्या क्या लक्षण हमें देखने चाहिए जिससे पता लग जाए कि एक तो हम उसको अपने आप को तो क्वारंटाइन कर ही लेते हैं, बच्चे को भी अलग रखते हैं, फिर भी कई बार वो लक्षण क्या है जिससे और ज्यादा अवेयरनेस हमें चाहिए उस बात के लिए? एक ना एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है एक बड़ों के कोविड में और बच्चों के कोविड में, बच्चे बड़ों के कोविड में जैसे सिम्टम्स फिक्स्ड है, आपको मालूम है कि फीवर आता है, सर्दी खांसी होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, ये सब सिम्टम्स फिक्स्ड है, बच्चों में ये सिम्टम्स फिक्स नहीं होते, बच्चों में जो होते हैं कफ कोल्ड फीवर 60% केस में प्रेजेंट करते हैं, बट 40% केस में डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकता है, कई बच्चे रेश के साथ में आते हैं, कई बच्चे सिर्फ हेडेक के साथ में आए, बॉडी एक के साथ में आए, तो बच्चों के केस में सिम्टम्स बहुत पेरिड होते हैं, इनफेक्ट कोई भी सिम्टम हो हम उसको कोविड से रिलेट कर सकते हैं यदि घर में कोई इंडेक्स केस हो, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि आपके बच्चे को ये दिस इज वन टाइम जहाँ पे कि आपके बच्चे को कोई लगता है कोई भी सिम्टम है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, कोविड है या नहीं है उसका डिसीजन आपके डॉक्टर लेंगे, बट द फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नॉट इग्नोर एनी सिम्टम ड्यूरिंग दिस कोविड ऑफ योर चाइल्ड। ओके 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 फाइन, रतन शाह जी बोल रहे हैं राकेश की नॉर्मल सीनियरो है कि हाइड्रेटेड बॉडी, वो बता रहे हैं कि हाइड्रेटेड बॉडी को रखें तो वो ज्यादा पॉसिबल है। श्री कृष्णा जी पूछ रहे हैं कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं डॉक्टर साहब की सारी वैक्सीन एक जैसी है, डोंट बी चॉइस, जो है वही आप ले लीजिए। सर एक और जी, ये ऐसा होना चाहिए कि हम पेरेंट्स के कंसेंट से शादी कर रहे हैं, जिससे उन्होंने बोला हमने उनसे शादी कर। ओके ओके फाइन, किन बच्चों को सर कोविड इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा होती, संभावना ज्यादा होती है? डेफिनेटली ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जिन बच्चों स्पेशली 2 साल से छोटे और कोमॉर्बिडिटीज मतलब आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ओबीस, मैंने देखे इस टाइम में कोविड के टाइम में बहुत सारे बच्चे जिनको कॉम्प्लिकेशन भी हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओबीस थे, उनका वेट जो था वो नॉर्मल से ज्यादा था, तो डायबिटीज वाले बच्चे हो गए, ओबीस हो गया, यदि बच्चे को किसी कारण से कोई किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो ये सब वो इसको हम हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं, इस पे हमारा वॉच भी रहता है, इस पे हम अर्ली ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश करते हैं, तो ये चीजें वो ऐसी हैं जहां आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जरा सा भी सिम्टम आए तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट। फाइन फाइन, दीपा अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि सर कोरोना से ठीक होने के बाद अगर कंटिन्यू हल्का हेडेक फील हो रहा हो क्या रीजन हो सकता है और क्या कर सकते हैं?
कुछ सिम्टम्स पोस्ट कोविड लंबे समय तक चलते हैं, हेडेक इज वन ऑफ देम, वीकनेस होना, टेस्ट आना, स्मेल आने में कभी कभार टाइम लगता है, खांसी लंबी बनी रहती है, कई लोगों में जो है वो एक एक दो दो महीने तक, बच्चों में भी ऐसा हुआ है कि कोविड से रिकवर करने के बाद में उनको खांसी लंबा लंबे टाइम तक रही थी। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको टाइम के साथ जाते हैं, बट स्टिल आप अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में रखिए तो पॉसिबल है कि इन चीजों का जो आपका सिम्टम है वो और जल्दी थोड़ा सा इनऑफ होने में हेल्प होगा। जी। सर अर्जुन राठौर जी का क्वेश्चन है कि हाय सर, मुझे अप्रैल में फीवर आया था। एक मिनट में चला गया उनका क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन कहीं मिस हो गया। जब तक मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। यदि बच्चा 6 महीने का बच्चा है और माँ कोविड पॉजिटिव है, तो क्या बच्चे का टेस्ट कराना जरूरी है, और क्या वो साथ में सो सकता है? देखिए आइडियली हर बच्चा, हर वो बच्चा जिसके घर में कोई कोविड पॉजिटिव, उसका टेस्ट होना चाहिए चाहे उसमें सिम्टम्स हो या नहीं। लेकिन इसमें भी हम लोग कुछ हद तक थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ता है। अभी तो केसेस कम हो गए, बट देयर वॉज अ टाइम जब बहुत ज्यादा केसेस थे और जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स थी उस पर बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। ऐसे टाइम में किसी पेरेंट्स को ये बोल के भिजवाना कि आप अपना बच्चे को टेस्ट करवा लो, तो डेफिनेटली मुझे मालूम था कि पेरेंट्स खुद बीमार हैं और उसके बाद में बच्चे को टेस्ट कराने में उनका जो है वो 2-3 घंटा और लग जाएगा, तो वो खुद की बीमारी से खुद ही परेशान। तब हमने पेरेंट्स को बोला जी था कि पहली चीज जो आप करो, आप सिर्फ बच्चे को घर के एल्डरली से दूर कर दो। एल्डरली मतलब 60+ जिनकी एज है, या तो वो लोग, या फिर वो लोग जो कि 45+ हैं लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरह के जो लोग हैं। हमारा बेसिक पर्पज जी सिर्फ ये है, हमको मालूम है बच्चे को दिक्कत नहीं है, या बच्चा कोविड पॉजिटिव हो भी गया, टेस्ट हमने नहीं जी भी कराया, तो भी हम उसका जो है वो विल टेक केयर ऑफ दैट। हमारा बेसिक पर्पस सबसे पहले ये था कि बच्चे को ऐसे लोगों से दूर कर सके जिनको वो स्प्रेड कर सकता है। तो अभी आज की डेट में जब अभी केसेस कम हो गए हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर लाइन कम हो गई है, तो डेफिनेटली हम बोल देते हैं कि आप चूंकि घर में इंडेक्स केस है तो आप बच्चे का करा लो। लेकिन यदि प्रैक्टिकली देखा जाए और बहुत ज्यादा पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, बच्चा को कोई सिम्टम नहीं है, तो ना भी कराएं तो वो चलो। ओके सर, एक ऑफ द रिकॉर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या अभी कोरोना की लहर थमी है, रुकी है, या कम हुई है? सर ये ऑन दिल रिकॉर्ड को आप अच्छा कॉल लगे, करोगे, रिकॉर्डिंग ये में तो भाई जाएगा ये। एनीवेज रिकॉर्डिंग में है सर, रिकॉर्डिंग में है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप लोग सारे हॉस्पिटल्स में सारे डॉक्टर से टच में रहते हैं, तो अभी क्या लग रहा है? लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जो पहले जो हैवॉक हुआ था अप्रैल में, तो उससे कुछ कम हुआ है? तो दिल को सुकून मिले कि हाँ डेफिनेटली चलो कुछ तो अच्छा है। डेफिनेटली डेफिनेटली इट हैज जी कम डाउन। जी बहुत जी हॉस्पिटल्स में बेड्स मिल रहे हैं ओके पहली चीज, और दूसरा टेस्टिंग कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ओके अभी जो है वो वेव अपने डाउनसाइड पे है। हम उम्मीद करते जी हैं कि हम यदि कोई गलती नहीं करेंगे तो ये सेकेंड वेव वाकई में जो सबके लिए, मेरा ख्याल है सबके साथ में बुरा एक्सपीरियंस रहा, किसी ने, बिल्कुल हर आदमी ने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या बहुत क्लोज वालों को किसी न किसी वे में लूज किया है, तो जी डेफिनेटली विल कम आउट ऑफ दिस वेव। अब इसी बात के साथ में मैं एक ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ कि थर्ड वेव की बात चलती है आज, मतलब जी अभी जी सेकंड खत्म हुआ नहीं है, जी लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि थर्ड वेव में बच्चों का क्या करना। तो अगेन ये एक स्पेकुलेशन है जिसका कोई आधार नहीं है, कहाँ से अराइज हुआ हमको नहीं मालूम है, शायद किसी ने बोला और मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, लेकिन जी चूंकि ये सवाल उठते हैं तो उसका जवाब देना जरूरी है। सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में जो डिफरेंस आएगा और थर्ड वेव कितनी स्ट्रांग होगी, ये पूरा डिपेंड करता है कि हम हमारी जिम्मेदारी कितना निभा पाते हैं एज अ सिटीजन। अभी मैं बता उसका उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। इस दरमियान अभी कल मैं कहीं सुन रहा था कि थर्ड वेव आएगा सितंबर में, किसी ने बोला नवंबर में आएगा, कोई बोलता अगस्त में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी जो है वो भविष्यवक्ता हो गया, तो सबके अपने अपने प्रिडिक्शंस हैं, पर हम जी मान के चलते हैं कि चलो सितंबर में आता है, और आज की डेट में मई है, मई और सितंबर के बीच में आपका जितना वैक्सीनेशन होगा उस पर डिपेंड इतना अच्छा करेगा कि रहेगा थर्ड वेव कितना इंटेंस होगा। यदि आप लोगों ने प्रॉपर वैक्सीनेशन लगवा लिया इसके बीच में, तो थर्ड वेव उतना इंटेंस नहीं होगा जितना आप मीडिया में सुन रहे हैं। रादर मैं इस हद तक भी जाऊंगा कि थर्ड के बाद में पॉसिबल है फोर्थ वेव आए, फिफ्थ वेव आए, बिकॉज
एवरी वायरल पेंडेमिक हैज गॉट दिस कोर्स कि वो बीच बीच में वेव्स आती हैं, बट कितना हम पे असर करता है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि अब आपने वैक्सीनेशन कितने मास स्केल पे लगवाया है। तो इसीलिए मैंने जी. पहले भी बोला, शुरू में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुना, एवरीवन ईच वन शुड प्रमोट 7 to 2 वैक्सीन। यदि आपने अपना ये काम किया तो आप समाज का बहुत बड़ा भला करेंगे, और यदि अच्छा वैक्सीनेशन हो गया तो मान के चले कि जितना भी थर्ड वेव कभी भी आए वो अपना उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग इस बार हमने सेकेंड। जी जी सर, ठीक है सर, टाइम हमारा शॉर्ट है, थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं। अर्जुन जी का क्वेश्चन रहा है, सर मुझे अप्रैल में फीवर आया था पर COVID-19 है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि दवाई ली और ठीक हो गया, तो क्या अब उनको वैक्सीन लगाना चाहिए? 36 साल के हैं वो। आपको कब कब फीवर आया था? आपको अप्रैल में फीवर आया था अप्रैल में फीवर और आया था पर आपने उस टाइम टेस्ट नहीं करवाया। जी ये क्वेश्चन है ना एग्जैक्टली। हाँ जी वो इन दैट केस आपको जो है वो मई लास्ट में वैक्सीन लगवा। ओके या दूसरा तरीका फिर ये होता है कि जब आपने टेस्ट नहीं करवाया तो अभी आप अपना एंटीबॉडी टाइटर्स देख लो, यदि वो पॉजिटिव है तो वेट फॉर 2 to 3 months, और यदि एंटीबॉडी टाइटर्स नेगेटिव है तो आप मान के चले कि उस टाइम आपको जो है वो कोविड नहीं था और आप फीवर, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बट प्रैक्टिकली पिछले 3 महीने में किसी को भी बुखार आया हो तो हम जब तक कोई दूसरी डायग्नोसिस सेट नहीं होता है, डॉक्टर्स के पास एक ही डायग्नोसिस था, वो कोविड था। क्योंकि पेंडेमिक में फीवर का मतलब या सिम्टम्स का मतलब यही होता है कि उसी बीमारी से सिम्टम आया है जिसका पेंडेमिक चल रहा है। तो सेकेंड राउंड यही है, आपको जो तरीका बता रहा हूँ अपना एंटीबॉडी टाइटर करा के दी। आरती जी का क्वेश्चन है, क्या अभी ठंडी चीजें खानी चाहिए, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह? मिल जाए, पहली बात तो मिलनी चाहिए, और दूसरी चीज मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम कोई भी मौका नहीं दें खुद को कि हम रूटीन वायरल इन्फेक्शन की भी चपेट में आए, क्योंकि रूटीन में जब आते हैं तो हम पैनिक नहीं होते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे होंगे तो शायद आप एकदम से पैनिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो बेटर ये है कि और 1-2 महीने को अवॉइड करें, उसके बाद में आप ले सकते हैं। विजय ददलानी जी का क्वेश्चन है कि सर अगर कोविडशील्ड 84 डेज से पहले पेशेंट पेरेंट्स को लगती है तो क्या लगवा लेना चाहिए? आई एम श्योर जो गाइडलाइंस आई है शायद आप लोगों को नहीं लगे, जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगा है, क्योंकि ये मैंने जो पढ़ा है अभी 1-2 दिन में, प्रोबेबिलिटी है कि जो पट 1-2 दिन में जो पढ़ा है कि जिन लोगों को जो डेट्स दिया था उनको अब शायद बोल दें कि अब आप अपना डेट रिशेड्यूल करके 84 डे पे ही आना है। तो यदि ऐसा है तो भी आप परेशान मत होइए। देखिए कोविशील्ड, मैं आपको एक ब्यूटी बताता हूँ कोविशील्ड की, कोविशील्ड इज अ गुड स्टडीड वैक्सीन और उसका फर्स्ट डोज भी 70% इफेक्टिव है। हम लोग जब बच्चों को वैक्सीन, जब आप लोग क्लिनिक पे आते हो, बच्चों को वैक्सीन लगाते हो और आप पूछते हो कि कितना परसेंट ये फायदा देगा, तो एक्सेप्ट 2 वैक्सीन चिकन पॉक्स और MMR को छोड़ के हम सब वैक्सीन के बारे में बोलते हैं कि 60-70% फायदा देगा, उससे ज्यादा फायदा नहीं देता। तो आप तो मान के चले कि कोविशील्ड के फर्स्ट डोज से क्लेम हो रहा है कि 70%, विच इज अ गुड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यदि दूसरा डिलेड भी होता है तो आप उसमें परेशान मत। ओके फाइन। तुषार जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू डील विद द पोस्ट कोविड सिम्टम्स सच एज कफिंग एंड व्हाट अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स के लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन आपके जो फिजिशियन आपको समझाएं, बिकॉज सी आई एम नॉट एन एडल्ट फिजिशियन, तो मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने डॉक्टर से मिले और मान के चले मैंने आपको अभी 3-4 सिम्टम्स बताए कि वीकनेस, लंबी खांसी, उसके बाद में अभी कुछ फंगस वगैरह, ये जो ब्लैक फंगस का चल रहा है ये, प्लस काफी हद तक ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि पोस्ट कोविड रहते हैं, तो उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय के साथ में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके डॉक्टर के नॉलेज में ये बात होगी। ओके, रविंदर सिंह जी का क्वेश्चन है कि कंपैरिजन बिटवीन 2 वैक्सीन, इट मींस कोवैक्सिन इज मच गुड 28 डेज पीरियड एज कंपेयर टू कोविशील्ड 84 डेज, ऐसा तो नहीं है? जो मिल जाए वो लगा लीजिए फटाफट से। मैं आपका एक कांसेप्ट क्लियर करता हूं। हां ये बात सही है कि आज की डेट में कोवैक्सिन शायद अभी इस आगे का सिनेरियो 15 दिन महीने भर ये रहे कि आप लोगों को कोवैक्सिन इजीली अवेलेबल हो जाए, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। एक जो बेसिक डिफरेंस है, कोवैक्सिन पूरा डेड वैक्सीन है, डेड वायरस से बना हुआ है, तो उसके
ऐसा स्पेकुलेशन है कि उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन कोवैक्सीन के साथ में सिर्फ एक ही चीज है कि बहुत ज्यादा स्टडीड नहीं है अभी, बहुत ज्यादा स्टडीज उसकी बाहर नहीं आई है कोवैक्सीन की। कोविशील्ड इज बेटर स्टडीड देन कोवैक्सीन। तो यदि ऐसा कंफ्यूजन अपने मन में कुछ मत रखिए, कोवैक्सीन अवेलेबल है तो डेफिनेटली लगवा लीजिए। लेकिन मैंने आपको फिर बोला कि कोविशील्ड का सिंगल डोज भी 70% इफेक्टिव है। और आपको बहुत प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ, हम डॉक्टर्स की, मतलब वी आर द गिनी पिग, हमको सबसे पहले कोविशील्ड लगा था, 28 डेज के बाद में दूसरा लगा था। आप इस वेव में डॉक्टर्स का बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखिए, वो आपको बराबर देख रहे हैं, आपको टच कर रहे हैं, आपके पेशेंट के साथ में पूरा टाइम देते हैं, स्टिल वो उस कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं। और प्लस आप देखेंगे तो इस टचवुड इस टाइम में डॉक्टर्स में मॉर्टेलिटी मतलब डेथ्स का रेशियो बहुत कम, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग सब कोविशील्ड से प्रोटेक्टेड है। हमारे टाइम कोवैक्सीन नहीं था, हमको सिर्फ एक ही वैक्सीन का चॉइस था, वो कोविशील्ड था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अच्छे खराब पे मत जाइए, मैं बार बार आपको यही बोलूँ, जो आपको अवेलेबल हो आपको लगवा लीजिए। वैक्सीन डेफिनेटली इज गोइंग टू गिव यू गुड बेनिफिट्स ओवर नॉन वैक्सीनेटेड। तो जो आपके पास अवेलेबल है आप लगवा लीजिए, आप उसमें बिल्कुल भी परेशान। फाइन। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है सर कि प्रियंका जी पूछ रहे हैं, प्रियंका तेजस जी, कि इफ इन केस किड्स गेट अफेक्टेड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू विद द किड्स। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि क्या सिम्टम होंगे बच्चे में जो जिससे पता लगेगा कि उसको कोविड है। हम बात कर चुके हैं लेकिन इसके साथ में ये क्वेश्चन भी मुझे ये पूछ बहुत लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, कि यदि किड्स अफेक्ट होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। अभी उसका मीनिंग समझाता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न जी मतलब ITR, सबसे पहला काम आइसोलेट, दूसरा काम ट्रीटमेंट ओके शुरू करवाना है, और तीसरा काम RT-PCR ओके का। तो दिस इज ओके ITR, लेकिन इसका आई याद रखो आप, बाकी ITR TR आपके डॉक्टर पे छोड़ दो, आप सिर्फ आई याद रखो कि यदि बच्चा आपका आपके बच्चे को फीवर है तो पहला काम आपको आइसोलेट करना है, फिर डॉक्टर से मिलके वो ट्रीटमेंट बोले तो ट्रीटमेंट और टेस्ट बोले तो टेस्ट, बट फर्स्ट वर्ड इज आई। ठीक है, तो ओके पहली चीज तो ये जी हो गई। दूसरा, मैंने आपको ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों में कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई भी सिम्टम, सर्दी ओके खांसी बुखार डायरिया लूज मोशंस वॉमिटिंग हाथ पैर दुखना सिर दुखना जोड़ों का दुखना माइल्जिया कहीं शरीर पे रेश आना, कोई भी सिम्टम बच्चे में कोविड के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो आपको बच्चे के ओके सिम्टम्स को टटोलना नहीं है। यदि आपको लगता है ओके कि आपका बच्चा एक्टिव नहीं है, प्लेफुल नहीं है और फीवर बार बार आ रहा है, या फीवर नहीं भी है तो भी वो यूजुअली जैसा रहता है वैसा नहीं है, तो यू शुड कंसल्ट। उतना एक्टिव नहीं है इसलिए। सर आपके वो फोर पिलर वाली बातों की बड़ी डिमांड है। तुषार जी और अनिल वर्मा जी पूछ रही हैं कि सर वो फोर पिलर आप एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। फोर वैसे सबको बता पिलर दूं कि इसका ये वाला जो है ये वर्जन ये यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा, तो आप वहां पर इस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, पर अभी बता दीजिए सर। ऑफ इम्यूनिटी, सबसे पहला हाइड्रेशन, मैं बड़ों की बात करता हूँ, 4 से 5 लीटर पानी। दूसरा पिलर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में क्या खाना वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत मुझसे ज्यादा कहीं ज्यादा ज्ञान आप लोगों के पास है, पर क्या नहीं खाना है वो मैं बताऊंगा। आप लिमिट कर लें अपना जंक फूड्स और बाहर का खाना वंस इन अ वीक, तो गुड हाइड्रेशन अच्छा न्यूट्रिशन, घर का बना हुआ कोई भी खाना आप मान के चलते हैं बैलेंस डाइट है, आपके न्यूट्रिशन को पूरा करेगी। तीसरा स्लीप, आज की डेट में यदि इम्यूनिटी का सबसे बड़ा कोई फैक्टर होता है तो वो आपकी स्लीप है। तो यदि आप सिर्फ इसलिए रात को नहीं सो पाते हैं क्योंकि आपकी आदत है कि स्क्रीन साथ में लेने की, तो वो आदत छोड़ दीजिए। 6 to 7 hours, 8 hours ऑफ स्लीप इज मस्ट। और चौथा एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब 45 मिनट्स की एक्टिविटी बॉडी को चाहिए, डेली एक्टिविटी जिसमें कार्डियो हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे अभी नहीं जाए तो भी चलेगा, बट ऐसी डेली एक्टिविटीज जिसमें आपका पसीना आना चाहिए। तो ये चार पिलर हैं, यदि आपने इन चार पिलर्स को अपनी लाइफस्टाइल में ले आया है तो कोविड जो है ना वो आपके लिए एक तरह से इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, आपकी आपका जीवन और प्लस आपके बच्चे की लाइफ हमेशा के लिए सुधार। दैट्स अ फैंटास्टिक, दैट्स अ फैंटास्टिक। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, फोर पिलर। सर एक क्वेश्चन और आदित्य साखला जी पूछ रहे हैं कि शुड वी वैक्सीनेट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 विथ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और इसी में सर मैं ऐड कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का वैक्सीनेशन अभी आ रहा है, आप तो लगाते ही रहते होंगे, आपके साथ बहुत बच्चे आते हैं, तो जिनके जो भी वैक्सीनेशन का टाइम अगर आ रहा है तो क्या उनको लगवाना चाहिए अभी इस दौर में? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि हमको ना एक बीमारी से डर के दूसरी बीमारियों को बढ़ाना नहीं। और जी इन्फ्लुएंजा इज अ फ्लू के बारे में मैं बात करूंगा, इनफैक्ट चूंकि बात
फ्लू के बारे में आपको यदि मैं बताऊं तो फ्लू इज वन वैक्सीन जो आप खुद को भी लगा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी लगा सकते हैं। ये मैं हमेशा करता हूँ, मेरे यहाँ बच्चे से लेके, मेरे यहाँ हमारे यहाँ जो सबसे छोटा बच्चा है उसका एज है 1 ईयर, उससे लेके और मेरे पेरेंट्स जो कि 70 ईयर्स तक है, हम लोग एक ही दिन में फ्लू शॉट सब लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लू शॉट का मैंने फायदा देखा है। जब हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, मुझे ध्यान है जरा सी बारिश आती थी, बच्चे एकदम से सांस चल चल के, और आप मान के चले 6 घंटे में निमोनिया होता था और एकदम से हॉस्पिटलाइज होते थे, इसको हम ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। आज की डेट में जी इतना हम लोग सबको फ्लू लगाते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस ये बीमारी धीरे धीरे अब हमको कम होती हुई दिख रही है। सो सिंपल सी बात है कि फ्लू शॉट इज वन थिंग जो कि आप बच्चे से लेके बड़ों तक घर में सबको लगवाना चाहिए। बड़ों के वैक्सीनेशन पे एक बात और बोलूंगा कि 60+ यदि आपके पेरेंट्स हैं तो उनको एक न्यूमोकोकल करके वैक्सीन आता है, विच इज PCV13 बोलते हैं हम उसको, ब्रांड नेम प्रेवनार है उसका, आप वो भी लगा सकते हैं ताकि उनको रूटीन निमोनिया के स्ट्रेन से फायदा मिले। लेकिन ये वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि आपको रेंडम, इन वैक्सीनेशन के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग जरूरत है, जरूरी है, जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। बट दिस इज माई वन एडवाइस कि ये वैक्सीनेशन आप हर साल फ्लू का अपने हर साल लगाएं, और वंस इन अ लाइफ टाइम आप अपने पेरेंट्स को जो है वो PCV13 का डोज लगा सकते हैं, तो उनसे बाकी जो दूसरे जरिए से जो फ्लू होने की संभावना होगी वो डेफिनेटली कम। जी एक्चुअली सर क्या है कि वैक्सीन सब हमेशा बच्चों को ही लगे हैं, एडल्ट को बड़ों को पहली बार लग रहे हैं, इससे लोग ज्यादा डर रहे हैं, उनसे बच्चों के लिए कोई नहीं पूछता, सब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं। सर थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो संदेश जिंगदा जी पूछते हैं कि सर अगर कोविड की रिकवरी होने के बाद और वैक्सीन के बाद चांसेस होता है वापस इन्फेक्शन होने का, मतलब फटाफट से हम जवाब ले लेते हैं जी। कोविड बिल्कुल होता है, वैक्सीनेशन के बाद में हाँ फिर भी संभावना रहती है, लेकिन आप मान के चलें कि जब इतना प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो शायद आपकी बॉडी रेजिस्ट करना सीख जाए, तो संभावना है कि सेकेंड इन्फेक्शन उतना एग्रेसिव नहीं हो जितना फर्स्ट हुआ था। बट स्टिल मैंने बोला कि बीमारी को अभी साल भर भी नहीं हुआ, अभी साल भर हुआ है और वैक्सीन को सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो विद द पीरियड ऑफ टाइम हमको मालूम पड़ेगा कि वैक्सीन का असर कब तक रहता है। बट होपफुली जैसे दूसरे वैक्सीन इफेक्टिव हुए हैं, आई एम श्योर कि ये वैक्सीन भी लंबे समय तक प्रोटेक्शन देंगे, या फिर यदि स्ट्रेन चेंज होता है, हम फ्लू में क्या करते हैं, हम एवरी 6 मंथ्स जब उसका स्ट्रेन चेंज होता है सो वी कम आउट विद अ न्यू वैक्सीन, मतलब वैक्सीन का बेस वही रहता है लेकिन उसमें नए स्ट्रेन डाल देते हैं। तो जैसे सपोज आपने ये जो नए नाम सुना कि डबल म्यूटेंट हो गया, अभी जो वैक्सीन बना है वो ओरिजिनल स्ट्रेन पे बना है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि 6 महीने बाद में वो स्ट्रेन आ जाए जो कि अभी प्रिवलेंट है। तो ये इस तरह से जब बार बार वैक्सीनेशन रिफाइंड होगा, मतलब वायरस अपना वायरस चेंज हो रहा है, तो हम वी हैव द कैपेसिटी कि हम वैक्सीन को भी उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके फाइन फाइन। अनिता जी पूछ रहे हैं कि यदि हमने कोविशील्ड लगाई है और सेकेंड डोज के लिए वो उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कोवैक्सीन या दूसरी वैक्सीन लगा लें? अभी नहीं लगाएं, वैक्सीन इंटरचेंज वेट करिए, यू हैव फुल 84 डेज, मैंने आपको अभी फिर बोला, और 84 डेज ना एक और जो बहुत ज्यादा रूमर्स चलते हैं कि गवर्नमेंट ने 84 डेज सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि कोविशील्ड अवेलेबल नहीं है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी आप मान के चलें कि वैक्सीनेशन के बीच में स्पेसिंग जितनी ज्यादा होती है उतना वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये दिस इज ये हम इश्यू कर रहे हैं क्योंकि हम वैक्सीनेशन कब से कर रहे हैं, हम शुरू से कर रहे हैं। मुझसे पेरेंट्स पूछता है कि सर आज वैक्सीन लगाया, आज 16th है, नेक्स्ट वीक इनका डेट आपने 16th को दिया, मुझे बाहर जाना है, मैं 13th को आ जाऊं क्या? मैं उनको बोलता हूं आप 13th को मत आइए। अब आप जब वापस आएंगे, भले आप 5 दिन बाद लगवाएं, 10 दिन बाद लगवाएं, लेकिन 5 दिन पहले मत लगवाएं। तो वैक्सीनेशन जितना स्पेसिंग ज्यादा होता है उतना ज्यादा फायदा होता है। तो फिर से अपने मन में एक नया रूमर जोड़ के कि सिर्फ सरकार ने इसलिए वो कर दिया क्योंकि अवेलेबिलिटी शॉर्ट है, दैट मे बी अ रीजन, बट स्टिल आप यदि कोविशील्ड में आप डिफरेंस रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, और फर्स्ट डोज 70% इफेक्टिव है, तो वैक्सीन इंटरचेंज करने की हड़बड़ी मत करें। जी जी सर एक क्वेश्चन है सामन जायसवाल जी का कि सीआरपी लेवल किस तरह से कोविड को अफेक्ट करता है, सीआरपी की नॉर्मल रेंज बॉडी में कितनी होनी चाहिए। साथ ही मैं एक और पूछ रहा हूं आपसे सर, इस कोविड एयरबॉर्न है एंड कैन बी मूव विद और अदर किड्स आउटसाइड विद द मास्क, मतलब क्या हम बच्चों को बाहर खेलने जाने दें मास्क के साथ में? सामन जी और ब्रिजेश जी आप हमारा पिछला सेशन आप देखिएगा, उसमें इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक हमने बातें की है, लेकिन फिर भी सर आपके 2 पॉइंट इसके ऊपर कि क्या बच्चों को हम बाहर जाने दें खेलने के लिए
और सीआरपी का लेवल क्या होना चाहिए? सीआरपी बेसिकली एक लेबोरेटरी पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि कोविड वायरस ने आपकी बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गन है उसमें कितना असर डाला है, ठीक है। तो सीआरपी आपको उतना बताता है, विच इज अ वेरी गुड मार्कर। सीआरपी करवाने नहीं करवाने का डिसीजन, अब चूंकि ना आप लोगों ने बात छेड़ी है, हमारे भी मन में कई बार होता है कि आप लोगों से बात करें, बट सीआरपी करवाना नहीं करवाना, सीटी स्कैन कराना, डी डाइमर कराना, ये सारे नाम जितने मुझे मालूम है उतने आपको भी मालूम है, ये सब चीजों का डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। यदि वो बोले तो सीआरपी कराइए। सीआरपी इज बेसिकली एन इंफ्लेमेटरी मार्कर, यदि वो बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं। अब आप मन से मत करना कि सीआरपी बढ़ गया तो स्टीरॉइड शुरू कर दिया, वो डिसीजन डॉक्टर को लेन दीजिए, बट सीआरपी इज वन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मार्कर। तो ये बात यही खत्म करते हैं। बच्चों को बाहर जाने देना, अभी मैं फिलहाल में एक ही चीज बोलूंगा कि आप पेरेंट्स, आप ही बच्चों के दोस्त हो, आप ही बच्चों के टीचर हो, आप ही बच्चों के सब कुछ हो, और ऐसे ही बने रहिए जब तक कि दो सिनेरियो हैं, या तो वाकई में इन्फेक्शन कम हो जाता है, हमारी पॉपुलेशन सब्सटेंशियल वैक्सीनेट हो जाती है तब तक, या फिर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आ जाता है तब तक बच्चों को बहुत ज्यादा बाहर खेलना, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ में जो कि नए हैं, उनके लिए फिलहाल में आज की कंडीशन देख के मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता। हो सकता है महीने भर बाद ये सब चीजें चेंज। ओके सर, अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक घंटा हो गया, समय कहाँ निकल गया हमें पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रैपिड रैपिड एक्शन हम लोग करते हैं। महेश खुराना जी पूछते हैं कि फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑन 1 अप्रैल, देन कोविड पॉजिटिव ऑन 19 अप्रैल, नाउ व्हेन सेकंड डोज? या तो 28 अप्रैल इफ यू आर कंफर्टेबल, और यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो जिस दिन आप कंफर्टेबल फील करें उससे 14 डेज प्लस करके आप सेकंड डोज। फाइन। अंकिता पोरवाल वर्मा जी पूछ रही हैं सर, आफ्टर कोविड अगर 14 डेज क्वारंटाइन रहने के बाद भी खांसी हो तो क्या हम फैमिली मेंबर के साथ रह सकते हैं? आप बिल्कुल रह सकते हैं यदि हाँ, और ये वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं चाहता था कि इस तरह का कुछ बात करूं आपसे। जी जी, जब आपकी बॉडी में वायरस एंटर किया है उसके बाद में 10 दिन के अंदर में आप मान के चलो कि आप नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं, देयर इज नो नीड कि आप आरटीपीसीआर कराओ। कल मेरे एक पेशेंट ने मुझसे बगैर पूछे 15-20 दिन हो गए थे और आरटीपीसीआर कराया और उसने मुझसे बहुत डांट खाई। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप 10 दिन बाद आरटीपीसीआर कराओ ये चेक करने के लिए कि हम नेगेटिव हो गए या नहीं हो गए। आफ्टर 10 डेज ऑफ फर्स्ट सिम्टम आप एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं। यदि खांसी आपकी है भी तो भी आप फैमिली मेंबर्स के साथ आराम से रह सकते हैं, आप उनको इन्फेक्ट नहीं करेंगे, दिस इज फॉर श्योर। ओके ओके, आदित्य प्रधान जी पूछे सर, आर देयर एनी बेसिक मैट्स यू वुड सजेस्ट टू कीप एट होम फॉर किड 2 to 7 इयर्स अलोंग विथ मल्टीविटामिन? कुछ मतलब दवाई यहाँ पूछ रहे हैं शायद 2 से 7 साल के लिए, मेरे ख्याल से उनको उनके डॉक्टर से ही पूछना चाहिए सर। आप कुछ कुछ आप जो मेडिसिन की बात कर रहे हैं मैंने शायद वो डिटेल में ही बताया है कि डोंट रिलाय ऑन मेडिसिन, आप बच्चे की खुद की इम्यूनिटी पे रिलाय करें। मेडिसिन मैं आपको इस पूरे कोविड टाइम की बात बताता हूँ, मैंने नई नई करके पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 600-700 किड्स देखे कोविड पॉजिटिव। हमने किसी को भी कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं लिखी है, एकाध कुछ दवाई लिखते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे रिकवर हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब उसके बाद में 99% किड्स जो है वो अच्छे से रिकवर हो गए। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि बच्चों में इम्यूनिटी ऑलरेडी अच्छा है, आप उनको लेके परेशान मत होइए, उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने की कोशिश मत करिए बहुत ज्यादा। सिर्फ जो 4 पिलर्स हैं जिसकी अभी बात की आप उन पे ध्यान दें, आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। या आप जैसा बताया बस सिर्फ उन 4 पिलर्स पे ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो गो टू योर डॉक्टर टाइमली, वो ट्रीटमेंट लिखेंगे, टाइम से बच्चा ठीक हो जी। हम लास्ट 3-4 क्वेश्चन और लेंगे फटाफट से। हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ आवर किड्स ड्यूरिंग दिस फेज? बहुत हो गया अभी तो मेरा ख्याल है अब पूरा वो देखेंगे तो डेफिनेटली विल फाइंड द आंसर, शायद इसकी रिकॉर्डिंग आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हम कर चुके हैं। सीए रूबी पुरवाल जी पूछे सर, अगर एक वैक्सीन के बाद पॉजिटिव हो गए और सेकंड डोज कितने टाइम बाद लगवाना चाहिए, इसका आंसर भी हमने कई बार दे दिया है, अब रिकॉर्डिंग को चेक कीजिएगा। सर अगर प्रेग्नेंट लेडी कोविड से होम आइसोलेशन से ठीक हो गई है तो क्या बेबी को मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है? संगीता डिंगरा जी पूछ रही हैं। एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। अगर प्रेग्नेंट लेडी कोविड से होम आइसोलेशन से ठीक हो गई है तो क्या बेबी को मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है? मतलब आपने मेडिसिन मतलब प्रेग्नेंट लेडी ने मेडिसिन लिया है जी, उसमें 4-3-4 मेडिसिन जो बहुत कॉमनली चली है, एक तो एजिथ्रोमाइसिन, एक डॉक्सीसाइक्लिन,
एक आइवरमेक्टिन और एक फेबीफ्लू, ठीक है। इसमें से डॉक्सी और फेबीफ्लू ये हम उन लोगों को, उन लेडीज को अवॉइड करते हैं विच आर ब्रेस्ट फीडिंग देयर बेबीज, जो ब्रेस्ट फीड करा रही है। सो दीज टू मेडिसिन, डॉक्सी एंड फेबीफ्लू। इसके सिवा एजिथ्रोमाइसिन पे आइवरमेक्टिन सेफ है, फिर भी फॉर सम रीजन यदि आपने ये दवाइयां ले भी ली है तो आप परेशान मत होइए, आपके बच्चे में कोई ऐसा साइड इफेक्ट एकदम से नहीं आएगा। लेकिन आपकी सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बोला कि जो लोग, जो लेडीज ब्रेस्ट फीड कराते हैं, हम इन दो मेडिसिन के अल्टरनेट उनको देने की कोशिश करें। फाइन। हितेश लांगड़े जी पूछ रहे हैं, माय मदर मिस सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन व्हिच वाज ऑन 13th अप्रैल बट शी गॉट पॉजिटिव ऑन 8th अप्रैल, सो शुड शी टेक सेकंड डोज नाउ और नीड टू टेक फर्स्ट डोज अगेन? नहीं, फर्स्ट डोज अगेन रिपीट नहीं करना है उनको, सेकंड डोज लेना है। सेकंड डोज जब वो अच्छे से रिकवर हो जाए उसके बाद 2-3 महीने के अंदर में आराम से लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब अच्छे से रिकवर हो जाए उसके बाद में विद इन 14 डेज वो आराम से ले लें, क्योंकि वो एक डोज ऑलरेडी ले चुकी है, तो फर्स्ट डोज ले चुकी है, तो पूरी रिकवरी के बाद में 14 डेज के अंदर में ले लें, लेकिन फर्स्ट डोज रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, विजय दल्लन जी का क्वेश्चन है, सर मेरी अगर मेरी डॉटर को दिखाना हो तो आप क्लिनिक पर कब अवेलेबल रहेंगे? तो सर मेरा रिक्वेस्ट अमित सर कि प्लीज आप अपने अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, अपना फोन नंबर वगैरह बता दीजिए, जिनको नोट करना कर लेंगे, एंड आपका क्लिनिक कहाँ प्लीज बता दीजिए। गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा विजय जी ने। जी सर, मैं उषा नगर में मेरा क्लिनिक है और डिटेल्स जो है वो एनीवेज यू विल गूगल इट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बोलता हूँ और मैं सबको बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग, क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों का डॉक्टर आप अपने आसपास का जो लोकेशन है वहां पर रखिए। मतलब मेरे काफी पेरेंट्स हैं जो कि दूर से आते हैं, मैं उनको मना भी करता हूँ कई बार, बट ठीक है उनका फेथ रहता है तो वो फिर यहाँ तक आते ही आते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप अपने आसपास अपने डॉक्टर को रखिए, ताकि बिकॉज आप में एडल्ट में और बच्चों में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, बच्चों के लिए आपको फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब मैं कोई बच्चा देखता हूँ तो मैं डेफिनेटली 2-3 दिन के अंदर मैं बच्चे को वापस बुलाता हूँ, क्योंकि मैंने उसको उतना ही ट्रीटमेंट लिखा है जितना उसको आज जरूरत है, पर मेरे दिमाग में ये रहता है कि उसको नेक्स्ट मेडिसिन ये मैं लिख सकता हूँ जो 2 दिन बाद डिसाइड कर, तो आई कॉल हिम फॉर फॉलोअप। तो फॉलोअप आपकी कंफर्ट में हो ये ज्यादा जरूरी है, बट स्टिल यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय फेसबुक पेज जो कि माय बेबी बेबी केयर क्लासेस के नाम से है, या मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अमित बंग के नाम से, उसमें मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ। तो सिर्फ, और मुझे ये बिल्कुल आई बिलीव कि पेरेंट्स का नॉलेजेबल होना जरूरी है, तो आपको यदि वाकई में इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी तो आप उस चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको कंफर्टेबल है यहाँ तक आना या आसपास रहते हैं तो मैं उषा नगर में मेरा क्लिनिक है बिहाइंड मार्च जी, और अभी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मेरे पास पूरा एड्रेस है सर के और मेरा नंबर भी डाल देता हूँ, जो भी किसी भी तरह से, तो मैं डॉक्टर साहब के पास में पूरा मेरा नंबर, राकेश जी ने मेरा नंबर डाल दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीतू जी पूछ रही है, हाई शुगर और हाई बीपी पेशेंट को वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं? अभी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे इस पे पूरा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन लगवाना है क्योंकि ये हाई रिस्क ग्रुप से, तो यदि शुगर है बीपी है तो आपको सबसे पहले चिंता करके वैक्सीन लगवाना है। मैं सिर्फ मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों के मन में अभी भी डर है। मेरे पेरेंट्स जो हैं उनका बॉर्डर लाइन शुगर रहता है, मैंने मेरे वैक्सीन के साथ में और जैसे ही मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला बगैर कुछ सोचे मैंने उनको वैक्सीन लिया। तो जब मैं कर सकता हूँ बींग अ डॉक्टर, तो आप लोगों को डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट ये काम करना चाहिए। ओके, स्वर्णा पाटिल जी का है, मेरे B2 लेवल कम, B12 लेवल कम है, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल आप लगवा सकते हैं, आप वैक्सीन भी लगवाएं और B12 के लिए आपको इंजेक्शन लेना हो या जो भी आपके फिजिशियन सजेस्ट करें वो भी साथ में करें, बट यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। ओके, अर्पिता जी का है, हेलो मिस, वांटेड टू नो दैट कैन ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर टेक कोविड वैक्सीन? इसका आंसर सर ने बहुत अच्छे से दिया है जी, अब हमारा रिकॉर्डिंग देखें आपको मिल जाएगा। सर ब्रजेश सिंह जी पूछ रहे हैं, सर हाउ मच अल्कलाइन वाटर एंड आयनाइज वाटर इज इफेक्टिव इन दिस सिनेरियो? मैं सिर्फ ये बोलूंगा आपको आंसर मिल जाए तो मुझे बता देना क्योंकि आई एम नॉट मच इनटू अल्कलाइन वाटर। जी तो ओके, अनुराधा जी, जी अनुराधा जी पूछ रहे हैं, मेरी डॉटर 3 महीने की है, उसको आई से वाटर आ रहा है या हल्की सर्दी है, क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं,
आंखों से पानी 3 महीने पे आना नॉर्मल होता है, तो उसमें एकदम से परेशान होने वाली बात नहीं है। हल्की सर्दी अगेन 3 महीने के बच्चों को थोड़ा बहुत रहता है। तो यदि आपके मन में डाउट है, आप बिकॉज दिस सेशन इज ऑल अबाउट कोविड, यदि आपके मन में डाउट है कि कहीं कोविड के सिम्टम्स नहीं है तो ये संभावना नहीं लगती है, बट स्टिल आपके जो डॉक्टर है वो आपको प्रॉपर बताए। फाइन फाइन फाइन। एंड एक और हमारे पास में है, गोपाल शर्मा जी पूछ रहे हैं वापस से, कैन कोविड पॉजिटिव मदर स्टिल ब्रेस्टफीड बेबी? शायद मैंने इसका डेफिनेटली बताया है कि कोविड पॉजिटिव मदर को 100%, देखिए उसका बहुत अच्छे से सुनिए, हम कोविड में क्या ढूंढ रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम वो ढूंढ रहे हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाए। उसके चक्कर में आपने जाने कितनी चीजें जो किसी ने कभी नहीं सुनी होती होगी वो सब ले लिया, ठीक है, गिलोय ले लिया, अश्वगंधा ले लिया, हल्दी ले लिया, जाने क्या क्या। बच्चों के लिए यदि कोई अमृत है, मैं सीधे अमृत की बात कर रहा हूँ, तो वो है माँ का दूध, ठीक है। तो अमृत का काम ही यही होता है बीमारी से बचाना। आपको आपके बच्चे को माँ के दूध से वंचित नहीं करना है कभी भी, माँ का दूध पिलाने का सिर्फ अच्छा, यदि मदर कोविड पॉजिटिव है तो भी वो मास्क पहने, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करें, ब्रेस्ट क्लीन करें और उसके बाद में बच्चे को दूध पिलाएं, बट इन नो कंडीशन माँ के दूध से बच्चे को वंचित रखना है क्योंकि ये अमृत। ओके, रीना जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द साइंटिफिक बेस ऑफ थर्ड वेव, इसका जवाब दे चुके हैं, एंड व्हाई इट इज एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड अफेक्ट किड्स। हाँ, ये क्यों आया कि बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम दे सकता है? ये सही बात है, थर्ड वेव के बारे में तो बात किया। देखिए फर्स्ट वेव में जो अफेक्ट हुआ था 60+, ठीक है, सेकेंड वेव में जो अफेक्ट हुआ वो 30 से 60 के बीच का जो एज ग्रुप था। अब थर्ड वेव में जिनको स्पेकुलेशन करना ही है तो वो क्या करें, अब बचा एज ग्रुप क्या, बच्चे ही बचे हैं, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं से आता है कि बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। लेकिन फिर आप शायद रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैंने बहुत क्लियर बोला, आपका वैक्सीनेशन स्टेटस आपके बच्चे को बचाएगा और कोई दूसरी चीज बच्चे को, तो इसलिए ना इतना परेशान मत होइए, थर्ड वेव का पैनिक मत करिए, लाइफ को अच्छे से जिए और डेफिनेटली यदि कुछ ऐसा आएगा भी तो वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, हम उससे डील करेंगे, बच्चों में भी पड़ा तो भी हम डील करेंगे, बट परेशान होके घबरा के ये सब काम नहीं करना और परेशान होके बहुत ज्यादा सोचना, क्योंकि आज के बच्चे ही कल बड़े बनने वाले हैं, तो वो भी उनका इम्यून सिस्टम भी इसके लिए डेवलप हो जाएगा सो वक्त के साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमित बंग, चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन, माय बेबी केयर एंड पेरेंटिंग कोच एंड मोटिवेशनल ट्रैकर रनर मैराथनर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। पिंका तेजस जी बोल रही सुपर सेशन, कुणाल जी बोल रहे हैं ग्रेट सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच विवेक खंडारा जी बोल रहे हैं ए वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी आपको, अगर आप चाहें तो आपको लिंक्स भी हम लोग शेयर कर लेंगे। एंड डॉक्टर साहब आपका फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि बीमारी होती तो हम अकेले लड़ लेते, हम अकेले मतलब डॉक्टर, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये महामारी है और फिर भी हम सब लड़ रहे हैं। तो जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों का भी सबने अपना रोल प्ले किया है, मुझे मालूम है हम लोग फ्रंट में हैं, लेकिन आप लोगों ने सबने पीछे होके ये पार्ट प्ले किया है, किसी ने अपने नेबर की हेल्प की है, किसी ने फैमिली मेंबर्स की किए, किसी ने अपने फ्रेंड्स की है, तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। यदि कहीं वेव कम होगा, यदि हम इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे, तो जितना क्रेडिट हम लोगों को बीच बीच में मिल जाता है उससे कहीं ज्यादा क्रेडिट आप लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये बीमारी नहीं महामारी है और आप लोगों की हेल्प के बगैर इससे बाहर आना संभव नहीं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन और आ गया है मेरे पास, मैं चाहता हूँ लास्ट क्वेश्चन विजय जलन जी का जवाब लेते हैं। सर क्या ओल्ड पेरेंट्स, क्योंकि सर ये कोविड ऐसा कि इसके बारे में भ्रांतियां बहुत है, लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बार बार इतने फैल जाते हैं क्या करें, सर क्या ओल्ड पेरेंट्स को वैक्सीनेशन से किसी ऑर्गन या आईसाइट पे फर्क पड़ता है? विजय जी पूछ रहे हैं। नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके मन में डाउट हो, फिर भी आपके मन में डाउट हो तो आप अपने फिजिशियन से बात करें, क्योंकि स्पेसिफिक बीमारी के बारे में मैं नहीं बता सकता, बट जनरलाइज मान के चले, मैंने आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है वैक्सीन का, वो प्रीवियस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। प्रीवियस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब ऐसी एलर्जी जो कि जानलेवा हुई थी किसी भी रीजन से, चाहे वो एंटीबायोटिक से हुआ था, चाहे पीनट से हुआ था, चाहे मिल्क एलर्जी, ये सब चीजें कॉमन होती है। यदि ऐसा नहीं है तो इसके सिवा कोई भी
कोई भी दूसरी प्रॉब्लम आपके और जो पर्सनल्स हैं उनके वैक्सीनेशन के बीच में नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये सेशन तो ऐसे ही चलता जाएगा, लंबा चलता जाएगा, लेकिन हम आपको थोड़े टाइम के बाद वापस से हम आपको तकलीफ देंगे इन सब चीजों के लिए कि और, क्योंकि जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता जा रहा है इसके नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, नई नई चीजें आती जा रही है, तो हमें भी अपडेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपडेशन आप लोगों के पास ही होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, एंड बाकी सब लोगों के लिए भी थैंक यू जी, जो जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइन किया है, आपके क्वेश्चंस के लिए थैंक यू। अगर आपके पास और भी कोई फर्दर क्वेश्चंस है तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और उसमें पोस्ट करें, तो हम रिलेवेंट क्वेश्चंस वहां तक हम पहुंचा देंगे और आपको आंसर भी देंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, हैव अ नाइस।